अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ अभी तक बोल सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाय किए शुरू करते हैं कहानी सतरंगी इश्क पार्ट 48। प्रीवियस पार्ट हमेशा की तरह बोलूँगी नहीं, सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। जो मानसी और जो प्रणाली बात कर ही रही थी, तभी एकदम से समीक्षा की कॉल आती है प्रणाली की ओर। तो प्रणाली फ़ोन रिसीव करती तो समीक्षा बोलती कि मैंने सुना तुम शॉपिंग करने गई थी और भर भर के सारी इलाके लाई हो, वजह? तभी बोलती अच्छा, तो मेरे ऊपर नज़र रखी जा रही है क्या? तभी समीक्षा बोलती नहीं, मैं एक्चुअली कॉल की थी प्रिया को कुछ काम से और पता चले कि तुम लोग शॉपिंग में गए हो, तो बातों में उसने बोल दी कि तुम साड़ियाँ ले रही हो। तो मुझे थोड़ी सी शौक लगी कि साड़ियाँ, क्योंकि तुम तो पहनती नहीं हो, बहुत कम एक दो बार पहनी हो, तो थोड़ी सी वो लगी। तो बाद में प्रिया ने कुछ चीज़ें बताई तो मेरी तो होश ही उड़ गए। मतलब प्रणाली क्या प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही हो यार? तभी बोलती कि नहीं, किसी को काबू कर लिया ना, बहुत सता लिया मुझे, अब थोड़ा वो भी तो सताए जाएगी ना। तभी वो बोलती कि हाय, मतलब यार काश मैं होती वहाँ पे। तभी प्रणाली बोलती कि कोई बात नहीं, वैसे माँ ठीक है ना? हाँ पिताजी। तभी समीक्षा बोलती कि देखो, पिताजी की बातों से जैसी लग रही है उन्होंने तुम्हारी सारी चीज़ों को हटा दिया। तभी प्रणाली बोलती कि मतलब? तभी बोलती कि तुमसे जुड़ी हुई हर चीज़ जो थी तुम्हारे कमरे में, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे वो सारी चीज़, तुम्हारी फ़ोटो, तुम्हारी फ्रेम, सब कुछ पिताजी ने हटा के स्टोर रूम में रखवा दिया है। तो तुम समझ सकती हो कि उनका गुस्से का लेवल कितनी हाई है। देखो अभी ये सब की बात मत सोचो, अब जो कर लिया सो कर लिया, अब किए हुए पे तुम अपनी पैर पे खड़ी हो जाओ, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो राहें तुमने चुनी है ना प्रणाली, इसमें आगे चल के तुम्हें बहुत कुछ फेस करनी पड़ेगी, तो उसके लिए भी तो तैयार होनी पड़ेगी ना। और सिचुएशन ऐसी है कि हम चाहकर भी तुम्हारे साथ खड़े नहीं हो सकते इस वक्त, क्योंकि मेरे लिए कुछ चीज़ें। तभी एकदम से प्रणाली बोलती कि भाभी यार क्या कर रही हो आप, क्या बोली जा रही हो? आई एम टोटली अंडरस्टैंड। और जो सिचुएशन है ना आज मेरे, मैं खुद इस चीज़ को अपनाई हूँ, तो मैं अपनी सारी चीज़ खुद सॉल्व कर सकती हूँ। आप भी प्लीज़ बुरा मत मानो कि आप लोग कुछ कर नहीं पा रहे हो। तभी समीक्षा बोलती कि मैं तो चलो मान ही ली, पर सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तुम्हारी भाई को हो रही है तुम्हारे लिए। हर रोज़ उनका वो फेस मैं देख नहीं पा रही हूँ, बस एक ही बात बोलते हैं कि मैं प्रणाली के लिए कुछ कर नहीं पाया। मेरी एक लौती बहन है और मैं उसके लिए कुछ कर नहीं पाया, बस यही बोलते हैं। और मैं उनको उस हालत पर देख नहीं सकती ना। तभी प्रणाली बोली भाभी डोंट वरी, मैं भाई से बात कर लूँगी, आप फिक्र मत करो। तभी समीक्षा बोलती कि हाँ ठीक है, लेकिन तुम जो कर रही हो सही है क्या? हाँ अध्याय को ऐसे सताना? तभी प्रणाली बोलती कि तो उसने भी तो सताई है ना। आखिर तक बंधी ने मुझे ये बोली नहीं है कि वो मुझसे प्यार करती है। और सोचो आप, अगर वो चीज़ मेरी नज़र में ना आती, चलो वो तो किस्मत अच्छी थी कि एंड मौके पे वो चीज़ मेरी नज़र में आ गई। अगर नहीं आती तो मैं कभी, मुझे पता नहीं चलती कि वो भी मुझे प्यार करती है, कभी नहीं पता चलती। तभी प्रणाली जो समीक्षा बोलती है हाँ वो भी सही है। तभी वहाँ पे प्रणाली की मॉम समीक्षा के कमरे में आती है कुछ बात करने के लिए। तो समीक्षा बात करते करते जैसे ही प्रणाली के नाम लेती है, तो प्रणाली की मॉम एकदम से जाती है, वो समीक्षा के सामने खड़ी हो जाती है और बोलती कि मैं एक बार बात कर लूँ, तो तुम्हारे पापा जी को पता ना चले। तभी समीक्षा भी समझती है, बोलती कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप एक काम करो, मैं चेक करती हूँ पापा जी कहाँ है, आप थोड़ी सी बात कर लो। तभी वो एकदम से कॉल लेती और बात करने लगती। जैसे वो हेलो बोलती है ना कि प्रणाली बेटा, जैसे वो प्रणाली अपनी मॉम की आवाज़ सुनती है वो चुप हो जाती है, उसकी आँखें भर आती है। उसके मॉम बोलती कि बेटा आवाज़ आ रही है क्या मेरी? मेरी बात सुन रहे हो तुम ठीक हो ना बेटा? तभी प्रणाली अपनी आँखों को पोछती हुई, क्योंकि आंसू आ ही गई थी उसकी गाल तक, तो पोछती और एकदम से बोलती कि मम्मा मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो ना? तभी प्रणाली की मॉम एकदम से रो पड़ती और बोलती कि बेटा क्यों किया ये सब, हाँ मुझे किस बात की सज़ा मिली है ना? मैं
पति को छोड़ सकती, ना मैं तुम्हारे पास जा सकती। मैं तो माँ हूँ ना, मुझे किस बात की सज़ा मिली है तुम बोल सकती हो? अपनी इकलौती बेटी की बात तक नहीं कर पाती हूँ मैं इस घर में, मेरी क्या गलती है, मैंने क्या गलती की? हाँ, तभी एकदम से प्रणाली बोलती कि नहीं मॉम, आपने कोई गलती नहीं की, कोई गलती नहीं की। लेकिन मॉम, मैं इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करती, आप बोलो। ये जो रीत रिवाज और परंपरा अनुशासन के बंधन बंदिश में मैं बांध जाती ना, तो मैं जीते जी मर जाती मॉम, जीते जी। और उस इंसान के साथ आगे बढ़ना जिसको मैं जानती तक नहीं, जो पता नहीं कैसे कैसे हरकतें करता है मेरे साथ, मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकता उस इंसान को, तो मैं क्या करती? मेरे पास और कोई रास्ता थी नहीं ना, मैं उस वक्त कुछ नहीं कर पाती, कुछ नहीं। अगर मैं अपने लिए स्टैंड ना ले पाती ना मम्मी, तो कभी कभी नहीं ले पाती, कभी नहीं। उस वक्त अगर ना लेती तो बहुत दिक्कत हो जाती, तभी एकदम से बोलती कि पर इन सब बीच, इन सब के बीच तुमने मेरी भी नहीं सोची, मैं तो माँ थी तुम्हारी। तभी वो बोलती कि माँ प्लीज़ समझो, आई एम सॉरी, क्योंकि कहीं ना कहीं जाने अनजाने में इस चीज़ से तकलीफ़ आपको ज़्यादा पहुँची, क्या मुझे नहीं पहुँची माँ, क्या मुझे तकलीफ़ नहीं हुई? और पापा की डिसीशन को रिस्पेक्ट करते हुए मुझे वहाँ से आनी थी, आपको अच्छे से पता है पापा के बारे में, अगर वो कुछ चीज़ सोच लेंगे ना तो करके रहेंगे। थोड़ी बहुत प्रणाली अपनी मॉम से बात करती है, उनको समझाती है, उनको थोड़ी सी वो करती है कि डोंट वरी, मैं हूँ, आप जब भी मन चाहे मुझे कॉल कर सकते हो, भाभी की फ़ोन से ही कॉल कर लिया करो। तभी वो बोलती है कि बेटा मैं तुम्हें एक बार देखने चाहती हूँ। तभी जो है प्रणाली अपनी मॉम को वीडियो कॉल करती है, देखती है उसकी मॉम फ़ोन में से ही उसको सहलाने लगती है और बोलती है अपना ध्यान रखना, अब मैं तो पास में होंगी नहीं कि सारी चीज़ ध्यान रखूँगी तुम्हारी, हाँ अपना ध्यान रखना, खाना वगैरह ठीक से खाना। और एक वो बात वो लड़की तभी प्रणाली बोलती कि अध्याय नाम है उसका, तो बोलती है हाँ वो उसके फैमिली अलाउ किया है क्या, मतलब उनके फैमिली में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और तुम्हें उसी लड़की मिली? तभी एकदम से प्रणाली बोलती कि क्यों माँ, उसी लड़की में क्या बुराई है, कहीं आप उसके रंग रूप में तो नहीं जा रहे हो ना माम, ऐसा गलती मत करना माम, उसको रंग से जज मत करो, वो आपकी बेटी से बेहतर है, उसमें जो टैलेंट है ना वो किसी में है ही नहीं, ये बात आपकी खुद की बेटी बोल रही है, वो ना नायाब है, लाखों में एक है। हाँ खुद को अंडर एस्टिमेट करती है हमेशा, नहीं समझती है खुद को, और उसको तो खुद से ही बहुत सारे शिकायत है, लेकिन सच मानो वो आपकी बेटी से बेहतर है लाखों गुना। तभी प्रणाली की मॉम बोलती है इतनी तारीफ़? तभी वो बोलती है हाँ ना, वो डिज़र्व करती है, हकीकत है ये चीज़, मैं मानती हूँ, आप भी समझ जाएंगे एक ना एक दिन, मुझे पता है, बस मुझे उसी दिन का इंतज़ार है, लेकिन उससे पहले ये सारी चीज़ मुझे उसको समझानी पड़ेगी, पहले उसके नज़र में उसको ऊँचा करनी है मुझे। तभी बोलती कि और उसके फैमिली, जैसी फैमिली की बात बोलते तो एकदम से प्रणाली बोलती कि उसकी दीदी है, उनको सारी सिचुएशन पता, और आपको पता है वो इतनी अच्छी है ना, जब मैं यहाँ पे पहुँची सबसे पहले वही आई थी मुझसे मिलने के लिए, और डांटने लगी कि ये सब क्यों किया, ये वो उनको बोल देते, बहुत अच्छी है कुहू दी बहुत। तभी उसकी मॉम बोलती कुहू? तो बोलती हाँ उनकी नाम कुहू है ना, बहुत अच्छी है, कभी मौका मिले तो आपसे ज़रूर मिलवाऊंगी। तभी वो बोलती कि चलो ठीक है, और तभी एकदम से समीक्षा आती है, बोलती कि मम्मी जी वो पिताजी बुला रहे। तभी वो एकदम से फ़ोन दे देती है और वो चली जाती है। समीक्षा देखती है कि प्रणाली की आंखों में आंसू थे, वो बोलती है यार अब रोना धोना तो बंद करो ना। तभी बोलती कि नहीं रो नहीं रही हूँ, मम्मी के लिए थोड़ी सी वो इमोशनल हो गई थी, आप मम्मी का ध्यान रखना साथ साथ पापा जी का भी। तभी बोलती कि तुम यहाँ की फिक्र मत करो, यहाँ पे सब सिचुएशन नॉर्मल है। हाँ वो पहली बार हवेली पे ऐसा कुछ हुआ ना, तो आसपास के लोग कुछ बातें वगैरह कर रहे हैं, इस चीज़ से पापा को बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम हुआ है, तो वो भी वक्त के साथ साथ
बीत ही जाएगा, डोंट वरी। तुम अपनी चीज़ों पे ध्यान दो और कभी कोई भी ज़रूरत पड़ी ना तो आवाज़ लगा देना, तुम्हारी ये भाभी तुम्हारे दर पर आ जाएगी तुम्हारे भाई के साथ। कभी झिझकना मत, तभी एकदम से प्रणाली बोलती कि झिझक क्यों झिझकूंगी, हाँ हेजिटेशन किस बात की। तभी बोलती कि हाँ बस यही चीज़ याद रखना, अभी मैं रखूँ तो कॉल कट कर देते। उधर ये लोग डिनर वगैरह करते हैं, डिनर करने के बाद प्रणाली वो कुहू से थोड़ी बात करती, कुहू को कुछ बोलती है तो कुहू बोलती कि पक्का मैं लेके आऊँगी, तुम तो तैयार हो ना। तभी एकदम से प्रणाली बोलती कि बेशक मैं तैयार हूँ, कल मिलते हैं दी, सही टाइम पे ले आइएगा। तभी कुहू बोलती कि मैं ले तो आऊँ लेकिन वो आएगी कि नहीं। तभी एकदम से बोलती कि आप हो, आप लेके ना आओ, मतलब आओ आप उसको लाओ और वो नहीं आएगी, ऐसा तो लगती नहीं है। तभी कुहू हंसते बोलती कि बहुत जानती हो तुम मेरे बारे में। तभी बोलती कि हाँ ना और कि नहीं तो क्या। तभी बोलती कि चलो ठीक है तुमने डिनर किया, तो वो बोलती कि हाँ किया। तो ये थोड़ी बहुत बातें करके वो कॉल कट कर देती है। उधर जो है प्रणाली वो डिनर वगैरह करके वो जो है सारी चीज़ सॉर्ट आउट करके वो सो जाती है अपने कमरे में जाके। लेकिन अध्या की मन में इतनी बेचैनी उठ रही थी, वो खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी, ऐसा लग रही थी कि वो खुद को खो चुकी थी, वो अपने होश में नहीं थी, मायूस सी थी, दिल टूट चुकी थी उसके, वो सवर नहीं पा रही थी खुद को, वो डिनर नहीं कर पाई थी। तो एकदम से कुहू बोलती कि क्या हो गई तुम्हें, हाँ खाना पीना छोड़ दिया, बात करना छोड़ दिया, अब क्या जीना भी छोड़ दोगे तुम, हाँ क्या कर क्या रही हो तुम। तभी जो है वो बोलती कि कुछ नहीं, तो ये बोल के वो कमरे की ओर चले जाते। उसके पापा एकदम से कुहू की ओर देखे, बोलते कि इसको हुआ क्या है, हाँ ये सारी चीज़ कब तक चलेगी, और ये तो बात करती भी नहीं है, पहले तो आके बता देती थी कि पापा ये हुई है ये हुई है। तभी उसके मम्मी बोलती कि बा प्रे बाप इसकी और इसके नखरे, आजकल इसके नखरे कुछ ज़्यादा बढ़ने नहीं लगे क्या। तभी कुहू बोलती कि ऐसी कोई बात नहीं है मम्मी, परेशान है कुछ चीज़ों के लिए, ठीक हो जाएगी। तभी उसके पापा बोलते हाँ तो क्या है परेशानी की बात क्या है। तभी कुहू बोलती कि वो बाद में पता चली जाएगी आपको, फ़िलहाल मैं देखती हूँ उसको, ये बोल के वो जाती है जो है कमरे में अध्या की। अध्या जो चुपचाप बैठ जाती है तो बोलती कि तुम कर क्या रही हो, हाँ क्या कर क्या रही हो, ऐसे ज़िंदगी थोड़ी ना चलती है, और तुम खुद हो उसको छोड़ने वाली। अब जब छोड़ दिए हो खुद ही अपनी सारी चीज़ों को उलझ गई हो तो आप ये सब सोचने का क्या फ़ायदा, और ना खाने का ये सब मतलब ना कुछ करने का, इससे क्या साबित करना चाहते हो कि हाँ तुम्हारा दिल टूट गई, तुम उसके बिना जी नहीं पा रही हो, ये सब है क्या। तभी अध्या अपनी दी की ओर देखते बोलती कि क्या बोल रहे हो, हाँ। तभी कोई बोलते और नहीं तो क्या, और नहीं होती क्या, जब तुम्हें उसके लिए स्टैंड लेनी थी, उसको बोलनी थी अपनी चीज़ों को, वो जब गिर गिरा रही थी तुम्हारे, और उसको तुम संभाल सकती थी, उसको बोल सकती कि हाँ मैं भी करती हूँ मोहब्बत आपसे, तुमने तो वो नहीं की, हालात पे उसको छोड़ के चले। तुमने कभी ये सोचा है कि जिस इंसान से वो शादी करी है वो इंसान उसके लिए सही भी है। जैसे ये बोलती तो अध्या एकदम से चुप हो जाती है और फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पे उसने पूछी थी प्रणाली से कि आप इस शादी से खुश हुए हो, खुश हो ना, ये शादी आपकी मर्जी से हुई है ना, और प्रणाली भी उसको आंसर देती है कि नहीं हूँ खुश, नहीं करनी ये शादी मुझे। जैसे ही उसके दिमाग में ये आ जाती है वो एकदम से खड़ी हो जाती है और बोलती कि वो दी वो तभी को बोलती कि क्या वो दी हो, क्या लगा के रखी है, हाँ छोड़ के तो चली आई हालात पे, क्या सोची वो तुमसे प्यार करती, अब उसकी क्या हालत होगी, ना चाहते हुए भी उसे इंसान के साथ बांध दिए गए हैं, क्या वो खुश हो रही होगी या जीते जी मर रही होगी, कोई फ़र्क पड़ती भी है तुम्हें, सिर्फ अपनी दुख को लेके बैठ गई है, आप खाना पीना छोड़ दिया, किसी से बात नहीं करती, अकेली रहती, ये सबसे ना प्यार साबित नहीं होती है। ये बोल के कुहू कमरे से निकल जाती। इधर अध्या परेशान हो जाती क्योंकि कहीं ना कहीं कुहू तो सही बोल रही थी, और उसको भी पता है प्रणाली ये शादी करना नहीं चाहती थी। अब उसके दिमाग में ये चल रही थी कि प्रणाली ठीक तो होगी ना, कैसी होगी, वो क्या कर रही होगी,
वहाँ पे सब कुछ ठीक है ना, यही सोचती है। वो मानसी को कॉल करती है। मानसी वो प्रणाली के साथ सोई हुई थी, एकदम से फ़ोन पे जैसे ही रिंग करती है वो एकदम से गुस्से में उठ जाते हैं। बोलती है यार एक तो ना दिमाग मेरी ना फटी जा रही है दर्द के मारे, ऊपर से ये कॉल को इतनी रात को ही आनी थी, कौन कम वक्त मुझे कॉल कर रही है। और जैसे ये चिल्ला के बोलती, प्रणाली भी उठ के बोलती है क्या है चिल्ला क्यों रही है तू। तभी मानसी बोलती कि पता नहीं किसकी शामत आ गई है यार, इतनी रात को कौन कॉल करता है। तो प्रणाली बोलती अरे देख तेरे घर से ही आए होंगे, आंटी कॉल कर रहे होंगे। तभी बोलती कि आंटी को, तभी वो फ़ोन देखती है और फ़ोन देख के वो प्रणाली को इतनी गुस्से में देखती है। तो प्रणाली बोलती तू मुझे ऐसे घूर के क्यों देख रही है, अरे फ़ोन तेरे क्या यार, कॉल तो तेरे फ़ोन पर आई ना, तू मुझे क्यों घूर रही है। तभी बोलती कि कॉल भले ही मेरे फ़ोन में आए है लेकिन नंबर देख ज़रा तू। तो जो है वो अपनी स्क्रीन को, मोबाइल की स्क्रीन को प्रणाली की ओर देखते, तो प्रणाली देख के चुप हो जाती क्योंकि अध्याय की नाम शोर हो रही थी। तभी वो बोलती कि ले तुम दोनों ना मेरी ज़िंदगी झंड से भी बदतर बना दिए हो यार, मतलब इंसान आराम से भी ना सो पाए, हद हो गई। तभी वो बोलती कि देख मैंने थोड़ी बोला है उसको तुझे कॉल करने के लिए, तू अपनी बिल क्यों मुझ पर फाड़ दी है। तभी बोलती कि वाह जी वाह बनती तेरी, कॉल भी ना तेरे चक्कर में किया है, आई एम डैम श्योर तू लिख के ले ले, कॉल भी तेरे चक्कर में किया है, नींद मेरी कुर्बान हुई, तुम लोगों के चक्कर में यार हर बार मेरी ही क्यों कट जाती है बीच में, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम दोनों का ये बताओ यार, कौन सी ज़िंदगी की बदला ले रहे हो मुझे, कौन से पिछले जन्म में मैंने कुछ किया है तुम लोगों के साथ, हाँ जो मेरी जीना हराम करने में तुले हुए हो। तभी प्रणाली बोलती यार तू हाइपर बहुत हो रही है, क्या हो गई। तभी बोलती यार एक ना तो सर फटी जा रही है दर्द के मारे, सो रही थी मेरी आंखें बस लग चुकी थी तभी ये कॉल आनी थी। तभी वो कॉल कट हो जाती है। तो प्रणाली बोलती है चलो कट हो गई अब सो जाओ प्लीज़ और गुस्सा मत करो यार। और तभी फिर से कॉल बजती तो फिर से घूर के देखते, तो प्रणाली बोलती अरे उठा ले ना क्या बोल रही है सुन तो ले। तभी बोलती नहीं मेरा तो बस काम ही यही रह गई है, काम ही यही रह गई ना। तो ये बोलते हुए वो कॉल रिसीव करती है, रिसीव करती ही अध्यय एकदम से बोलती है आई एम सॉरी मैं इतनी रात को कॉल करी। तभी बोलती कि नहीं अब सॉरी का क्या फ़ायदा अध्याय, कॉल तो तुम कर दी, बोलो आप किस लिए कॉल किए हो। तभी वो बोलती कि वो प्रणाली जी ठीक है ना। जैसी ये सुनती है तो प्रणाली घूर के देखती है, तो मानसी थोड़ी सी फ़ोन को लाउड स्पीकर में करती है और अध्याय पूछ रही थी कि बोलिए ना वो ठीक है ना, हाँ उनकी तबीयत ठीक है ना, वो अब तो शायद वो मतलब ससुराल में होंगे ना, वो आप गए थे उनके पास अभी आप कहा हो। तभी एकदम से जो वो सवाल पे सवाल किए जा रही थी, तो मानसी बोलती कि अरे थोड़ा सा सांस लो और मुझे भी लेने दो बोलने का तो मौका दो ना। अरे यार तुम तो यार सवाल पे सवाल यार अध्याय मुझे केबीसी वाली वाइब्स मत दो प्लीज़। तभी अध्याय बोलती आई एम सॉरी, वो बस इतना बोलो ना कि वो ठीक है ना, हाँ जब वो जा रही थी वो रोई थी क्या बहुत। जैसे ये सुनती तो प्रणाली बस एक टक फ़ोन की ओर देख रही थी। मानसी बोलती ये सब सवाल का कोई फ़ायदा है अब, हाँ इस सवाल का कोई मतलब बनती भी है अध्याय, अब ये क्यों पूछ रहे हो तुम, हाँ बेशक तुम सोचो ना जो बंदी तुमसे बेशुमार मोहब्बत करती है, तुम्हारी सामने आगे गिर गिर आई भीख मांगी अपनी प्यार की, तुमने उसको उस हालत पे छोड़ के चली गई, तो उसको उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अपनी सारी चीज़ों को कुर्बान तो करनी ही थी ना, हाँ पूरी ज़िंदगी उसकी ख़त्म हो गई इसके चक्कर में, वो उस इंसान के गले में लग उसके गले में उस इंसान को बांध दिया गया है जिसके लिए वो कभी तैयार ही नहीं थी, जिसके लिए वो रेडी नहीं थी, वो नहीं चाहती थी उस इंसान के साथ जुड़ना। लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ती है, कुछ फ़र्क पड़ती भी है तुमको इस चीज़ से, पड़ेगी। अध्यक्ष चुप हो जाती है। तभी मानसी बोलती है कृपया यार थोड़ी सी कृपा करो मेरे ऊपर, मेरी ना सर फटी जा रही है अध्याय, प्लीज़ तुम भी सो जाओ मुझे भी थोड़ी सी चैन से सोने दो, क्योंकि ना ये सारी चीज़ों के चक्कर में ना मैं बहुत उलझ गई हूँ और तुम सारी सिचुएशन को समझो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये बोल को एकदम से कॉल कट कर देती है
और प्रणाली एकदम से बोलती कि अरे यार कट क्यों की, थोड़ी देर और रख ली थी ना कॉल पे। तभी मानसी जो है बोलती कि वाह वाह क्या बात है, हद नहीं हो गई, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गई तेरी प्रणाली यार, मतलब थोड़ी सी रहम कर ले यार, सोने दे मुझे, और अगर अगली बार कॉल आई ना तो माँ कसम ये फ़ोन ही तोड़ डालूँगी मैं। तभी जो बोलती है अच्छा सॉरी ना तू सो जा, तो वो सो जाती है। और प्रणाली वो मन ही मन सोचती है कि तकलीफ हो रही है पर बोलेगी नहीं, तुम ना बस देखती जाओ। ये बोलती हुई वो सो जाती है। अगली मॉर्निंग होती है, ये लोग उठते हैं, उठ के ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, मानसी की फ़ोन में उसकी मोम की कॉल आती है और बोलती कि बेटा अब तो आ जाओ तुम, तुम्हारे पापा तुम्हारी बात कर रहे हैं, कब तक रहने की इरादा है, शादी तो हो गई ना उसकी। तभी वो बोलती है ठीक है मम्मी मैं चले आऊँगी। तभी वो बोलती कि चली नहीं, मैं तुम्हारा फ्लाइट का इंतज़ाम वगैरह करती हूँ, तुम सीधा आ जाओ, आज ही आ जाओ। तभी वो बोलती कि पर मॉम, तभी उसकी मॉम बोलती कि मुझे कुछ नहीं पता, आना है तो आना है। तभी मानसी बोलती अच्छा ठीक है शाम की और आ जाऊँगी, ठीक है ना। तभी वो बोलती कि चलो फ़ोन रखो, तो रख देती है। इधर प्रणाली बोलती कि क्या हो गई। तभी वो बोलती है यार पापा तुझे तो पता है ना, पापा को पसंद नहीं है मेरी ये हवा रहना, तो मुझे जानी होगी। तभी प्रणाली बोलती कि रुक जाना थोड़ी देर। तभी वो बोलती कि अरे यार प्लीज़ ना, अब तो तू आज़ाद है ना, आज़ाद परिंदा उड़ अपनी पंख फैला, मैं हमेशा हूँ लेकिन यार अभी नहीं, बाद में आ जाऊँगी ना, अभी फ़िलहाल घर जाने दे मुझे प्लीज़। तभी बोलती कि ठीक है पर अभी तो मत जाना, हमें कहीं और जानी है। तभी मानसी बोलती कि हाँ पता है, इसलिए मम्मी को बोली कि शाम को आऊँगी, डोंट वरी। तभी बोलती कि हाँ ठीक है। तभी जो है एकदम से प्रिया आती है और बोलती कि क्या हो गई, अब तुम तैयार हो। तभी बोलती कि नहीं थोड़ी सी वक्त तो बीत जाने दीजिए, अभी तो बस 10 बज रहे हैं, 12 1 बजने दीजिए। तभी बोलती कि चलो ठीक है। दूसरी और जो कुहू है वो अध्याय को और जाती है। अध्याय कुछ दिनों तक सो नहीं पा रही थी, उसके मन में कई सारे उलझने थे और सारे उलझने की कड़ी जो है प्रणाली के साथ जुटती है। वो प्रणाली के लिए बहुत ज़्यादा फिक्र कर रही थी आप, और ख़ास करके कल कुहू की बात और मानसी की बात सुनने के बाद। और अब मुझे ये लग रही है वो खुद को सवाल कर रही थी कि क्या वो सही किया ये सब करके, क्या उसको प्रणाली के लिए स्टैंड नहीं लेनी चाहिए थी, यही चीज़ सोच रही थी। तो कुहू जाती है और बोलती कि अध्या क्या हो गई, खाना नहीं खानी है क्या, और तुम्हें ना यहाँ पे मेरे साथ जानी है। तभी अध्या बोलती कि दीदी मुझे मन नहीं है जाने की, आप चले जाओ ना। तभी कुहू थोड़ी सी चिढ़ जाती है और बोलती कि प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी, हाँ ये सब करके तुम अपनी गलती पर पर्दा नहीं डाल सकती, हाँ जो किए है वो तुम्हें खुद बोनी पड़ेगी, सहो ये सब, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सब करके तुम उस चीज़ पे एकदम से कवर अप कर लो, ऐसे नहीं होते। और हम लोगों ने क्या गलती की है, पापा ने क्या गलती की है, तुम्हारे लिए फिक्र करते हैं, उनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, कम से कम ये सोचो ना, तुम ठीक से खाते हो ना तुम ठीक से सोते हो, थालात देखिए खुद की, हाँ एक बार आईने में जाके खुद को देख लो, और हमें परेशान मत करो ना, हमने क्या गलती की है तुम्हें इस हालत में, हम नहीं दे सकते, ये हमारी गलती है, कम से कम पापा की तो सोचो। तभी अध्याय बोलती कि ठीक है चली जाऊंगी, कब जानी है। तभी वो बोलती कि 3 बजे, तो बोलती कि ठीक है। ये बोल के अध्याय पहले तो ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं अपने पापा के साथ वगैरह बैठ के, और वो जाती है कमरे में। कमरे के जाने के बाद वो जो इन दिनों प्रणाली की स्केचेस वो बनाई थी वो देखने लगती है, और उसकी आँखों में से आंसू गिरते हुए उस पेपर में पढ़ते वो पोछ लेती है आंसू को, और एकदम से उसी जो स्केचेस को वो सीने के साथ लगा लेते हैं। उसका आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली, मुझे पता है कि मैं माफ़ी मांगने के लायक तक नहीं हूँ, नहीं है मेरी, किस मुँह से माफ़ी मांगूँ मैं आपसे और कैसे मांगूँ, जाने अनजाने में मैंने आपकी आपको उसी दंदल में भेज दी जहाँ पर आपको जानी नहीं थी, मैंने आपकी ज़िंदगी ख़राब कर दी, मुझे सोचनी चाहिए थी कि आप वहाँ पे कभी खुशी नहीं रह पाओगे, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन अब मैं इस गलती का भरपाई कैसे करूँ मुझे वो समझ नहीं आ रही है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और ये सारी बातें बाहर खड़ी रही कुहू सुन रही थी।
कुहू थोड़ी देर वहाँ पे खड़ी रह के वो नीचे आती है, अपने घर के काम वगैरह करते वक्त जो है बीतने लगता है। और इधर प्रणाली वो तैयार हो रही थी, जैसे वो तैयार होके वो नीचे आती है हॉल में, मानसी और प्रिया आपस में कुछ बात कर रही रही थी, मानसी की नज़र जाती है प्रणाली की ओर और वो बात करते करते रुक जाती है और उसकी नज़र वहीं पर थम जाती है। तो प्रिया बोलती है, अरे क्या भूत देख लिया क्या तुमने, क्या हो गई? तो वो उसकी आंखों की इशारा को समझती है, साइड में देखती है और जैसे ही देखती तो पिया बोलती कि ओ माय गॉड हाउ लुक एट हर, अरे यार प्रणाली, अरे यार तुम साड़ी में इतनी खूबसूरत लगती है यार, पता नहीं थी यार, हाय हाय किसी की नज़र ना लगे। उठती है प्रणाली के पास जाती है, उसकी बलाइयाँ लेती है और बोलती कि थू किसी की नज़र ना लगे तुम्हें। तभी प्रणाली बोलती कि क्या है यार ऐसे तो ना बोलिए। तभी बोलती कि यार तुमने खुद को देखी है, मतलब यार तुम बहुत अच्छी लगती हो साड़ी में, सूटेबल है तुम्हारे लिए, देखो तुम आईने में। तभी बोलती कि यार क्या कर रहे हो आप, ऐसे तो ना बोलो, एक तो ना थोड़ी सी अजीब लग रही है क्योंकि ये चूड़ियाँ वगैरह। तभी बोलती है चलो सब कुछ तो ठीक है ये, लेकिन ये नकली मंगलसूत्र कहाँ से ली? तभी बोलती है अरे शॉप में मिल जाते हैं ना, ये मंगलसूत्र नहीं है, ऐसे ही लॉकेट सी है। तभी बोलती है यार कोई समझेगा नहीं देखने में तो। तभी बोलती है हाँ ना अब क्या करें। तभी बोलती है एक मिनट, सब कुछ ठीक तो है, तुम एकदम से मैरिड वुमेन लग तो रही हो, लेकिन यार बहुत हॉट लग रही हो, बहुत खूबसूरत भी, लेकिन अब मांग में सिंदूर वो कहाँ से लाओगी तुम? तभी वो बोलती कि कोई बात नहीं ज़रूरी थोड़ी है। तभी बोलती कि क्या मतलब ज़रूरी? तो बोलती कि यार आजकल के बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नहीं पहनते सिंदूर, ये तो आप भी जानते हो। तभी बोलती हाँ मैं भी तो नहीं पहनती ना, कभी कभार यार पहन लेते हैं, इसमें क्या है? तभी वो बोलती हाँ तो कोई फ़र्क पड़ेगी नहीं। ऐसे मानसी ज़रा बता कैसी लग रही है? तो मानसी तो एक तक दिख ही रही थी और वो खड़ी हो जाती है, बोलती कि यार पटाखा लग रही है तू। तभी बोलती हट यार ये भी कोई चीज़ होती है। तभी बोले मजाक कर रही हूँ, लेकिन यार बहुत खूबसूरत लग रही है तू यार, मुझे वैसे मैंने कभी तुझे साड़ी में नहीं देखी, आज पहली बार देख रही हूँ यार, तू बहुत खूबसूरत लग रही है। और मैं ये सोच रही हूँ इस हालात में अगर अध्या तुझे देखेगी उसका हाल क्या होगी? तभी वो बोली, वो बोलती है कि वही जो तब होगी तब होगी, अब चल। तभी बोलती लंच नहीं करनी है क्या? तभी एकदम से प्रणाली बोलती ओ मैं भूल गई। तभी प्रिया बोलती कि नहीं नहीं प्रिया जी से मिलनी की कुछ ज़्यादा ही जल्दी है ना, इसलिए खाना वगैरह सब छोड़ छाड़ के उनके पास चली भागे। तभी बोलती नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तो वहाँ पे लोग बैठते हैं, लंच वगैरह प्रॉपर करते हैं, कुछ देर वो खाने के बाद बैठ जाते हैं, रेस्ट वगैरह लेते हैं। जैसे ही 3 बजते हैं एकदम से प्रणाली बोलती है कि चलो अब वक्त हो गए चल मानसी। तो प्रिया जो है अपने बेटे को भी लेते हैं और ये तीनों वहाँ से निकल जाते हैं, उस जगह पे जाते हैं। वो एक ना शॉपिंग मॉल थे, वो एक शॉपिंग मॉल थे वहाँ पे जाते हैं। पहले जाके एक रेस्टोरेंट पे ये लोग बैठ जाते हैं। तभी एकदम से जो मानसी बोलती कि यार रेस्टोरेंट में ही आनी थी तो काहे इतना खिलाई पिलाई यार, यहाँ पे आके ही खा लेते। तभी वो बोलती कि जी नहीं कॉफ़ी पीना है, चुपचाप कॉफ़ी पी। तो बोलती है हद है ठीक है पी लेती हूँ कॉफ़ी। तो ये कॉफ़ी पीने लगते हैं और उधर जो कुहू है वो एकदम से अध्या को बोलती है अध्या तुम रेडी नहीं हुई हो क्या? तभी अध्या बोलती दीदी मैं रेडी हूँ। तभी बोलती है ये इनका प्रूम है, कुछ ढंग का पहन लो। तभी बोलती कि क्यों कहाँ जानी है, ढंग का पहनना है, चलो ऐसे ही सही है। तो कुहू उसे ज़्यादा जोर नहीं करती, वो उसको ऐसे ही लेके वो ऑटो लेती है और वहाँ से सीधा वो उसी शॉपिंग मॉल के साइड में आती है। तो अध्याय बोलती है कि दी इस वक्त शॉपिंग आने की क्या ज़रूरत थी, आप शाम को भी आ सकते थे या फिर सुबह। तभी बोलती कि क्यों कोई मतलब टाइम फिक्स है क्या कि इस टाइम पर आना चाहिए इस टाइम पर नहीं? तो अध्याय बोलती कि आई एम सॉरी मैं कुछ नहीं पूछती चलो आप। तो ये लोग अंदर जाते हैं और अंदर जैसे जाते हैं कुहू जो है वो एक शॉप में एंटर करती है और कुछ देखने लगती है। और उससे पहले वो जो है वो मैसेज कर दी थी प्रणाली को कि ये लोग एंटर कर चुके हैं। और प्रणाली अपनी कॉफ़ी को साइड में रखती है और एक बार देखती है जो है मानसी की, और मानसी बोलती कि तो शुरू हो जाए। तभी बोलती कि हाँ ना वैसे तू यहीं पे रुक, तुझे पता है ना कि तुझे कब आनी है? तभी बोलती है हाँ हाँ पता है। तो प्रणाली जो है वो प्रिया के साथ उस जगह से जाती है और मानसी वहीं पे बैठी हुई थी वो कुछ कर रही थी, ये लोग उसी शॉप
के उस साइड पे जाते हैं जहाँ पे कुहू और अध्या थी। अध्या अपनी दीदी के साथ ही खड़ी थी, उसको इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट तो थी नहीं। उसके एकदम से जहन उसके जहन में तो सिर्फ प्रणाली बसी हुई थी, वो वही सोच रही थी कि क्या करे क्या नहीं करे। बस कुहू के साथ खड़ी थी, तभी एकदम से उसी शॉप के दूसरे साइड पे प्रणाली जाके खड़ी हो जाती और वो पिया से बोलती कि अरे ये देखो ना, ये सही नहीं है क्या इधर। जैसी अध्याय को थोड़ी सी अजीब लगती है ये वॉइस, वो पीछे देखती है क्योंकि उसका पीछे देखने का और वो किसी का बैक देखती है क्योंकि प्रणाली की फेस दूसरी तरफ थी। उसको थोड़ी सी अजीब तो लगती है लेकिन वो फिर से अपनी गर्दन घुमा लेती है और बोलती है कि पता नहीं क्या अजीब सी लगी। और फिर से प्रणाली एकदम से बोलती है अरे प्रिया ये देखो ना, ये भी तो अच्छी है, ये ले सकती हो ना। इस बार अध्या को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, उसको लगती है कि ये जो आवाज़ है कहीं सुनी सुनी सी है। वो फिर से पीछे पलटती है और फिर से देखती है तो उसमें वहाँ पे दो इंसान नज़र आते हैं, वो इस एक बच्चे के साथ। एकदम से प्रणाली फिर से बोलती है कि प्रिया आप ये देखो ना, मुझ पर अच्छी लगेगी ना। जैसे वो बोलती है ना, उसकी फेस थोड़ी सी साइड होती है, जो उसका जो एंगल थी वो एक साइड से थी और अध्या एक साइड से उसे देखती है। उसको लगती है कि वो उसकी गलतफहमी है, पता नहीं वो क्या सोचती है। वो एकदम से बोलती है कि कैसे कैसे दिन आ गए, अब मैं उनको इस जगह पे देख रही हूँ, मैं उन पता नहीं उनकी फेस अब हर किसी के फेस से नज़र आ रही है, क्या हो गई अगर ऐसी चलती रहेगी तो कैसे होगी। ये बोल के वो कुहू की ओर एकदम से देखते हैं और तभी जो प्रिया की बच्चा था वो लड़का, वो एकदम से भागते हैं दुकान से, वो निकल रहा था तभी प्रिया एकदम से बोलती है कि बेटा मत जाओ, भागो मत, ऐसे तो मत करो। तो ऐसे जैसे वो पीछे पलटती है, अध्या भी पीछे पलटती है और तभी प्रणाली पीछे पलट के बोलती है अरे संभालो इसको। जैसी ही प्रणाली पीछे पलटती है, अध्या की नज़र सीधा पड़ती है प्रणाली के ऊपर और वो शॉक्ड हो जाती है, वो एकदम सुन्न हो जाती है। उसकी दिमाग पूरी हैंग हो चुकी थी उसको देख के। वो एक टक प्रस प्रणाली को देख रही थी, प्रणाली की नज़र जो थी वो बच्चे पे थी, प्रिया की ओर, वो अध्याय की ओर नज़र नहीं करती है, वो सिर्फ वही पे देखती। इधर अध्याय एक टक प्रणाली की ओर देख रही थी, न जाने देखते देखते क्या होती है, उसकी आँखें नम हो जाती है। और एक टक वो देखने के बाद वो बड़ी गौर से प्रणाली की ओर देखती है, एक सर से लेकर पाँव तक सारी वो आँखों में काजल हो रही थी, माथे पे एक छोटू सा रेड कलर की बिंदिया थी, हाथों में चूड़ी थी और गले में वो चीज़ देख के वो जो आंसू अपनी आँखों में समटी हुई थी वो आंसू एकदम से गिर जाती है। इधर कुहू एकदम से बोलती है अध्या ये देखो ज़रा। तो अध्या को जैसे ही वो देखती है तो अध्या की फेस दूसरी ओर थी, तो कुहू पलटती है और देखती है, तो ये सब तो पहले से बताती। कुहू अध्या की ओर देखती है, अध्या की आँखों से आंसू सिरकती हुई नीचे गिरी जाती है। तभी कुहू बोलती है कि अरे अध्या रो क्यों रही हो। और तभी कुहू भी देखती है प्रणाली को, तो कुहू एकदम से बोलती प्रणाली तभी अपनी नज़रों को सामने की ओर करती है और उसकी नज़रें भी अध्या की नज़रें से जाके टिकी जाती है। प्रणाली को थोड़ी सी बुरी तो लगती क्योंकि अध्या की आंखों में आंसू भरे हुए थे, वो आंसू उसकी गाल तक सिरकती हुई आ गई थी। लेकिन वो अध्या की ओर से एकदम से नज़र हटा के कुहू की ओर करती और बोलती आप कुहू दी आप यहाँ। तभी कुहू जाती एकदम से प्रणाली का हक करते हुए, बोलती कि ओ माई गॉड तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, और लुक एट यू तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो। तभी प्रणाली बोलती कि क्या दिया भी। और इधर अध्या वो बस खो चुकी थी प्रणाली की और बस एक टक देख रही थी। प्रणाली कुहू से बात करते करते एक नज़र जो है देखती तो है लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है। और तभी एकदम से कुहू बोलती कि अध्या देखो अरे इधर आओ तुम क्या कर रही हो वहाँ पे। तभी अध्या जो है आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई जाती है और जाने के बाद वो एकदम से खड़ी हो जाती है प्रणाली के सामने। और अभी वो प्रणाली को घूर के ही देख रही थी। प्रणाली अध्या की ओर देख के बोलती कि कैसी हो। अध्या कुछ नहीं बोल पाती, उसकी आंखें नम थी, आंखों में आंसू भरे हुए थे। और तभी प्रिया एकदम से अपनी बेटे को हाथ में पकड़ती हुई लेके आती है और एकदम से बोलती कि ये कौन है प्रणाली। तभी प्रणाली बोलती कि ये मेरी दोस्त है अध्या, ये उसकी बहन है कुहू दी।
और अध्या ये मतलब मेरे हस्बैंड के बहन लगते हैं। जैसे ये बोलती है, अध्या अपनी मुट्ठी को कंच लेती है, जैसे बोलते हैं ना मेरे हस्बैंड, वो कुछ नहीं बोलती, वो बस एक टक प्रणाली की वो देख रही थी और बस इतना बोलती कि आप बहुत अच्छी लग रही हो, बस इतना बोलती है। उसके उसका लव्स उसके साथ नहीं दे रहे थे। और तभी वहाँ पे मानसी आती है और एकदम से आके बोलती है, अरे वो जीजा जी तो चले गए यार, उनको मतलब इमरजेंसी कुछ था यार, हम क्या करें अब। तभी वो देखती है अध्या की और तभी बोलती, अध्या तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी अध्या बोलती कि मैं तो यही पे हूँ, दी के साथ आई हूँ। तभी बोलती कि अच्छा, वो तुम शॉपिंग करने आई हो क्या। वैसे प्रणाली, जीजा जी तो चले गए यार, उनको कुछ इमरजेंसी काम वगैरह थे, मुझे बोल के गए। तभी प्रणाली बोलती कि चलो कोई बात नहीं। तभी कुहू बोलती कि अरे तुम बात तो करो ठीक से। तभी प्रणाली बोलती है, आ यहाँ पे क्या बात करेंगे, आइए साइड में आके बात करते। तो ये लोग साइड में चले जाते हैं, अध्या पीछे पीछे, बस प्रणाली की पीछे थी, प्रणाली कुहू के साथ बात करते करते आगे जा रही थी और अध्या प्रणाली के पीछे, बस प्रणाली को आगे चलते हुए देख रही थी। एक मिनट के लिए अध्या की दिलो जहान में एकदम से तूफान सी हो उठ पड़ती है, तूफान को शान नहीं कर पा रही थी। वो उस इंसान को देख रही थी जिस इंसान को वो प्यार करती है, और ये इंसान किसी और की हो चुकी है। ये चीज़ सोचना मतलब दिल तोड़ने जैसा हालत हो जाती है। वो अपने दिल को संभाल नहीं पा रही थी, उसका दिल रो पड़ता है इस हालत में देख के। और कहीं ना कहीं वो बोलती है कि चलो ये ठीक है कम से कम, हाँ भले ही किसी और की है पर ठीक तो है ना, लेकिन खुश है कि नहीं ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी। ये लोग जाते हैं उसी रेस्टोरेंट पे बैठते हैं, जो प्रणाली है वो अध्या की सामने बैठती है, नज़र से नज़र मिला के। अध्या नज़र मिला नहीं पा रही थी, वो नज़र को झुका लेती है। प्रणाली अपनी मन ही मन बोलती है कि यूँ नज़रें मत छुपाओ हमसे, बात तो करो, मैं वही इंसान हूँ जिससे तुम बेपनाह मोहब्बत करते हो, कम से कम इजहार तो करो मुझसे, अपने दिल की बातें तो करो। लेकिन अध्या सर झुका लेती है, तो वहाँ पे जो थे एकदम से कुहू कुछ ऑर्डर करने लगती है। तो प्रणाली बोलती है नहीं, हम लोग ऑलरेडी खा चुके हैं, आप लोग क्या पियेंगे। तभी बोलती है नहीं, मैं मेरा बस सर भारी है, मैं कॉफ़ी पी लूँगी। अध्या कुछ बोलती नहीं है, तो वो अध्या के लिए भी एकदम से कॉफ़ी ऑर्डर कर लेते हैं। वहाँ पे थोड़ी बहुत ये लोग बातचीत करते। तो आज स्टोरी यही तक, जानेंगे अगले एपिसोड में कि क्या होते। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून, खुदा हाफिज़, फिर मिलेंगे बहुत जल्द। गुड नाइट, टेक केयर, टाटा।